ओके okay. हेलो सो वी विल स्टार्ट हाँ देखे तो से हम कहूँ जिते बड़े आमर गोटे गोटे स्पेसिफिकेशन आसला जिते बड़े आइस -10 degree Celsius रू 0.01 degree Celsius और अंडर 1 atmospheric प्रेसर रे गला जिते बड़े देख टेम्परेचर बढ़ला सो दिस इज कॉल्ड एज योर सेंसिबल हीटिंग अगेन फ्रॉम 0.01 degree Celsius और रफली यू कैन टेक 0 degree Celsius फ्रॉम 0 degree Celsius जिते बड़े पहुँचला द आइस टा स्टार्टेड मेल्टिंग जस्ट टिके टिके मेल्टिंग हबा आरंभ हला दैट मीन्स ऑल ऑफ ए सडन सॉलिड रू से लिक्विड को गलानी तो सही जिनसटा को हमें एठी को फेज चेंज और दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन फेज चेंज और हेलो 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 अगेन सर सुभजीत वॉइस अगेन सर ओके तापर 0 हला 0 डिग्री सेल्सियस रु आरंभ करी से अगेन से 0 डिग्री सेल्सियस पर्यंत से टोटल आइस रु से लिक्विड स्टेट को से गला आइस रु लिक्विड स्टेट माने वाटर स्टेट को गला आ ए जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस पेले एठी तुम कहतरी यू सी दिस इज द होराइजोंटल लाइन दैट मींस एठी तुम हीट एडिशन होउची बट टेंपरेचर इज नॉट राइजिंग दैट मीन्स एटा को से कहउचंती दिस इज ए लैटेंट हीटिंग ओडिया रे हम तक को गुप्त ताप बोली यू हैव एडेड हीट तमे हीट एडिशन करलो किंतु टेंपरेचर बढ़िला नै हैला तापर अगेन से हीट एडिशन करले हीट एडिशन करला पर तार टेंपरेचर देखो एठी फोनी गोटे इंक्लाइंड लाइन आसला इंक्लाइंड लाइन मीन्स एठी केचे हीट एडिशन होउची तन बि एठी गोटे राइज अछि गोटे तमरो एटा कोन कह जाय स्लोप हैला हैविंग डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स दैट मीन्स तोर किसी हीट एडिशन होती हीट एडिशन हैला फल टेम्परेचर बढ़ी तो यहाँ भी सेंसिबल हीटिंग एमती कर देखे केम्परेचर जाएगला ना इट इज रेकर्डेड 100 degree Celsius और आकुरेटली 99.8 degree Celsius ठीक है तो से 99.8 और 100 degree Celsius न्यूक्लिएट बॉइलिंग द टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लिएट बॉइलिंग आरंभ है न्यूक्लिएट बॉइलिंग कौन ना जो कंटेनर रे आमे पानी गरम करूचु तार जस्ट सरफेस रे छोटो 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 बॉइल्स ही की सब आरंभ हो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लिएट्स स्मॉल न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ गैसियस और वेपर से गुडा को हे की ऊपर को जिवे दैट मींस सेठी ट्रांजिशन हबा आरंभ हे गला दैट मींस लिक्विड इज ट्रांसफरिंग टू वेपर फेज को हबा आरंभ हला एंड द रिमार्केबल थिंग एठी देखो एठी फूनी से लाइन ता होराइजोंटल आसी गला दैट मीन आउ टेम्परेचर बढ़ला नहीं तो ये दीटा जिनस से माने कंक्लूजन रे नेले और ये दीटा जिनस से माने समरी ड्र कले जेते बेले गोटे प्योर सब्सटेंस फेज चेंज करे सेते बेले टेम्परेचर बढ़े नहीं हला एठी लिक्विड रे वेपर फेज को गला तब फून वेपर फेज को गला परे से सुपर हीटिंग ठीक आसला ओके ठीक अछि एटा बुझी हला ना नहीं कोन किछ पचार रहछ पचार थियोरी सब लिखाई यू कैन सी इट रीड इट प्रोसेस सी टू डी ऑल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर टेम्परेचर स्टार्टेड टू राइज प्रोसेस सी टू डी फ्रॉम 0 degree to 4 degree Celsius स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीजेस देन राइजेस सेम फेनोमेना अप टू 100 degree Celsius सेंसिबल हीटिंग जहां मु थ्योरी रे अभी कहली से गुडा का सब लिखा है छि हला प्रोसेस सी टू डी प्रोसेस डी टू ई सब लिखा है तक तो पढिबो हीट एडिशन इज कंटीन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ वेपर बिगिंस फेज चेंज डी टू ई देखो तब डी टू ई एटा असला एटा दिस होराइजोंटल लाइन ओके एठी फेज चेंज बिगिन हला फेज चेंज आरंभ हला डी टू ई टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टांट स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीजेस स्पेसिफिक वॉल्यूम बॉडी स्पेसिफिक वॉल्यूम तुम कहो सर स्पेसिफिक वॉल्यूम काई ना स्पेसिफिक वॉल्यूम एठी मु देखेनी एटा केवल कर्व कहा का भीतर ड्र होईची ना टेम्परेचर आउ हीट ट्रांसफर स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम आसीबो या परे मु हैला गोटे गोटे जो तमरो डायग्राम तमरो सब अछि से गोटे गोटे डायग्राम को प्रॉपर्टी डायग्राम को
प्रोसेस ई एफ सेमती ए अनुसार आपको पढ़ हला तो एबे आमे जिबा रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रेशर हाँ से कहो रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रेशर हाइफेन स्पेसिफिक यू सी हियर एटा गोटे स्मॉल भी लिखाई स्मॉल भी मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम कैपिटल भी मीन्स वॉल्यूम आ स्मॉल भी हो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो कौन ना वॉल्यूम पर यूनिट मास वॉल्यूम पर यूनिट मास मीटर क्यूब पर केजी हैला टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट एचएस प्लॉट हैला आउ गोटे अछि टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट सेई गुडा को सब जिका हैला तो एबे तमे जान हां एबे तमे जानि लो जे हीटिंग करबा द्वारा केमती टेम्परेचर राइज करे कोन हुए आउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स सेंसिबल हीटिंग कोन लैटेंट हीटिंग कोन एंड दिस कर्व इज ड्रॉन फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैला जस्ट तापर मु जस्ट गोटे एठी गोटे डायग्राम रे शो करिया पे चेष्टा करी छी आमे कौन कौन फेज देखिले तापर स्टीम टेबल रे कौन यू कैन सी हियर फेजेस ऑफ मटेरियल कौन कौन फेज देखिले कहि परिबो के ऊपर जो मु बोझैली कौन फेज देखिले तीनटा फेज देखिले सॉलिड देखिले लिक्विड देखिले वेपर देखिले वेपर वेपर ता भितरे देख सॉलिड आ लिक्विड भितरे कोटा देखिलो सॉलिड प्लस लिक्विड देखिछो सॉलिड प्लस लिक्विड देखिछो ना ने जते बेले आइस ता आ सॉलिड को जते बेले लिक्विड होउतला से कोन ऑल ऑफ अ सडन रही जाउतला ऑल ऑफ अ सडन मींस जो जिंस जीरो टाइम रे हुए विदाउट एनी टाइमिंग रे हुए हैं सेटा को कहा जाए ऑल ऑफ अ सडन से किछ टाइम नेलानी किंतु सॉलिड रु लिक्विड हवा पई से किछ टाइम नउची हीट नउची टेंपरेचर बढ़ोनी तो एटा होची फेज चेंज हैला लिक्विड रहिला लिक्विड प्लस वेपर रहिला हैला एई जोटा डायग्राम मु करिछि एठी तमरो टोटल सिलेबस टाक मु शो करिछि इट्स अ वेरी नाइस डायग्राम देखो मु बुझै दउछ कोन हैला तापर देख लिक्विड रु वेपर को जते बेले तमे गलो हां देन ता भितर गोटे आसला लिक्विड प्लस वेपर एटा भी गोटे ट्रांजिशन फेज आ एटा भी गोटे ट्रांजिशन फेज सॉलिड ट्रांजिशन माने बुझछ त जेमति हमे ट्रांजिशन कहा को कहू तमरो गोटे दिन रे तमे देख मॉर्निंग समर डे अछि नाइट अछि डे नाइट इवनिंग हला इवनिंग ता होय गोटे ट्रांजिशन इवनिंग तक तमे कहि परिबोनी वेदर इट इज अ डे और नाइट काहेकि ना सेठी तमरो दिन सरी जाउथिबो राति आस्ते आस्ते आसुथिबो ट्रांजिशन फेज हला सेमति ए दीटा क होचंती ट्रांजिशन फेज हला ए सबु जिंस हला हमर गोटे जगह रे अछि कोन कोन अछि सबु जिंस अछि केतेटा अछि एठी मु स्टीम टेबल बिषय रे पुरै छी हला स्टीम टेबल कौन गोटे प्रेसर पाई देखेली से न्यूमरस प्रेसर बहुत प्रेसर पाई देखेची देख कौन स्टीम टेबल का लिमिटेशन ऑफ स्टीम टेबल लिमिटेशन मतलब स्टीम टेबल हम कोडी डाटा देची स्टीम टेबल रे तमे सॉलिड रो डाटा पाइबो नहीं और सॉलिड प्लस लिक्विड रो डाटा मध्ये पाइबो हला कौन डाटा माने एठी कौन कौन थिबो प्रेशर थिबो स्पेसिफिक वॉल्यूम थिबो टेंपरेचर थिबो एन्थाल्पी एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी ए तीन पांचटा छटा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज प्रेशर स्पेसिफिक तारो करेस्पोंडिंग सैचुरेशन टेंपरेचर हां से जते बले लिक्विड हबो तारो केते स्पेसिफिक वॉल्यूम तोठी केते एन्थाल्पी कोन सब थिबो म आस्ते आस्ते कहिबी जस्ट हला लिक्विड रो डाटा अछि लिक्विड स्टेट रो आ वेपर स्टेट रो डाटा अछि लिक्विड प्लस वेपर स्टेट रो डाटा आमे कोन पढिबा ना आमे ई तीनटा जको ही पढिबा मुटा काहे की कहली ना तमे यू सी हियर एठी जो सॉलिड रु मु नै की गली फ्रॉम सॉलिड टू सैचुरेटेड सॉलिड रु कंप्लीट एटा सैचुरेटेड सॉलिड बोली काहे कहउची जानि पर जो सैचुरेटेड सैचुरेटेड मतलब से सॉलिड ता एमिति एबे स्टेट रे सैचुरेटेड हे जाइछ मतलब से आउ किछि नै परिवनी हीट आउ जदी तमे हीट सेही पॉइंट रे दउछ से सॉलिड लिक्विड हबा आरंभ होइ जो सेटा कोनती सैचुरेटेड हे गला ताव न बन आउ हीट न बन ता माने से लिक्विड फेज को पळेबो तो एई फेज ता एटा अमर पढिबार नाही एति कि नाही आमे कोठो पढिबा ना आमे ए लिक्विड जिंसटा रो पढिबा लिक्विड प्लस वेपर विषय रे पढिबा वेपर पडे नेचुरली सब थर्मोडायनामिक्स रे प्योर सब्सटेंस रे केवल एति कि ही पढा जाय सॉलिड आउ सॉलिड प्लस लिक्विड कवर से न थाय कंसीडर थे ठीक अछि बुझी परलो तमरो सिलेबस विषय रे आ ए डायग्राम विषय रे तमे जानि थाओ सब जको फेज अछि बट वी आर नॉट रीडिंग सॉलिड फेज इन दिस ईयर एटा सॉलिड फेज से अलगा जिन से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैकेनिक्स से तो पढाओ आमे थर्मोडायनामिक्स रे को जाय पढिबा ना आमे लिक्विड स्टेट पढिबा लिक्विड प्लस वेपर स्टेट पढिबा
अब वेब पोस्टेड पड़ जाए, ठीक है? ओके आ गया सर। अच्छा हाँ, तापरे आमे मेन आम डायग्राम को जीवा। अच्छा कौन लिखा है चिट्ठी देखी दबा। नाउ वी शल एज हाँ नाउ वी शल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी गुड़ा को आमे केमती रिप्रेजेंट करिया। कौन कौन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रहला ना, प्रेशर गोटे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लिखा है ता यूनिट भी साइड रे लिखि दिछि किलो पास्कल वी। स्पेसिफिक वॉल्यूम यूनिट होचे मीटर क्यूब पर केजी। टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस जहाँ भी तुम नहीं पार। एन्थाल्पी एठी देखो प्रॉपर्टी गुटा कही थी तो तुम जाणी था एबेठू यही सब प्रॉपर्टी विषय तुमको जानवाप पड़ो। प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर एन्थाल्पी जोटा मुझे कहूँ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से एन्थाल्पी कथा एन्थाल्पी पशु ये आसो है एन्थाल्पी। एन्थाल्पी यूनिट कौन आसला ना किलो जूल पर केजी। एस एंट्रोपी होची किलो जूल पर केजी केल्विन। स्मॉल यू सब स्मॉल देखो जो गुड़ा को सब स्मॉल अच्छी ना ये सब मास डिवाइड है से सब स्पेसिफिक कह जाए। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास एटा गोटे भल जिन मार्क कर। स्पेसिफिक एंथाल्पी स्पेसिफिक एंथाल्पी मतलब एंथाल्पी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एंट्रोपी दैट मीन्स एंट्रोपी पर यूनिट मास किलो जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी that means internal energy per unit mass on thermodynamic plot and read steam table egudaka sabu jansa kothi achi ti steam table re achi hala yeah units I have written units sabu likhi dechi by side so that you can acknowledge this properties tama unit likhle tamko suvidha hab hala the most popular property tamko kabe sar am kete sabu property bisare janiba आम कौ प्रपर्टी जानले बे अल्प जानले काम हो सब शुभम सामल। अच्छा द मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टी डायग्राम इज टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम है दीटा डायग्राम जानले दीटा आउ गोटे आसला प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम ए दीटा रे आमर सब पाठ कवर हो। गोटे आसला टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम आ गोटे आसला प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम तो तुमको जानवर अच्छे केतले को डायग्राम टा कर। अलमोस्ट अल प्रोब्लेम्स कैन बी सॉल्व विथ हेल्प ऑफ दिस टू। अलमोस्ट अल प्रोब्लेम विल बी सॉल्व विथ दिस टू डायग्राम्स एंड 99% ऑफ द प्रोब्लेम्स विल बी सॉल्व बाय द टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम दिस है ये जिनस मन रखे था है। अल 99% प्रोब्लेम विल बी सॉल्व बाय टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम ठीक है। अच्छा तापर देख जस्ट टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम विषय मुझे जस्ट एटा ही करी आम एटा आज क्लास टा कवर करवा है। आउ एति मन रखी था मुझे बर्तमान सॉलिड आउ सॉलिड प्लस लिक्विड को छाड़देली कहीं ना आमर कवरेज कौटा जीव आम कवर करवा लिक्विड पोर्सन लिक्विड प्लस भेपर पोर्सन आउ गोटे आसला केवल सुपर हिटेड पेपर बुझीला ना नहीं कि पचार अच्छे कह रहा ओके तो कंटिन्यू करिबा यस सर। ओके हां ठीक अछि ताल देखे सेठी जेमती कोन नैथिले अलोंग द एब्सिसा और वाई एक्सिस मु टेंपरेचर नैथिली आउ सपोर्टे हीट ट्रांसफर नैथिली। यू सी हियर इट इज स्मॉल पी दैट मींस इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम नैछि हैला। आउ जेते बेले तमे टेंपरेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट करिवो यू मस्ट राइट जे तुम कौ प्रेसर रे एटा कंडक्ट कर डिफरेंट प्रेसर पाई कि एटा डिफरेंट टेम्परेचर आसो हैला। तो एटा केते निया है देखे एटा मु लिखी एटा मु अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे करछि कने एटी 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस नै छि ना। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज ड्रॉन कने प्रेशर बिना हाँ एटी आ गुट कथा कह दिए जेतेबेले टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट तुम्हें तैयारी करुचो हैला से अदर प्रॉपर्टी तीन टा प्रॉपर्टी हम नबो प्रेशर टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर आउट ला स्पेसिफिक वॉल्यूम द थर्ड प्रॉपर्टी है कौन प्रेशर। प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट ता माने एटा होची कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग लाइन बुझिला कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग लाइन जदि तमे लेफ्ट साइड रु एठु एपट देखो आरो मार्क गटे अछि जदि एपटु एमती जीवो ताहाले एटा को कहा जीवो कांस्टेंट प्रेशर तमे हीट कर कर जाउछ हीटिंग लाइन
जदि रिवर्स डायरेक्शन रे आसीबो, रिवर्स डायरेक्शन मतलब ऊपर एपटू तल को आसीबो, ताले को कहजिबो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग कर्व। सेही कर्व को दीटा उपाय कह जाय परिबो, आइदर यू कैन टेल कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग कर्व और यू कैन टेल कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग कर्व। हला एठी देखो लिखा है P is equal to constant, लिखी है P atm, atmospheric pressure, constant pressure, heating line. Heating line क्या इंग लिखी है ना आरो मात्र देखो from left to right को जाएगी, बुझे ला? तो देखो हमें आउ solid plus liquid को तो चिंता करी पानी, क्योंकि हमें thermodynamics रे सेटअप पढ़िया पानी जाऊँ ना, हमें liquid रो ऊपर को जीबा, है ना? तो मु लिक्विड 20 डिग्री सेल्सियस आर्बिट्रेरी गोटे टेम्परेचर मु नै छी 20 डिग्री सेल्सियस नै छी एवं पानी को गरम कर छी अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे वैल्यू केते ना एप्रोक्सीमेटली 101 किलो पास्कल और एक्यूरेटली जदि कहिबी सेटा होची 101.325 किलो पास्कल। हला ताले मु ताको हीटिंग कली, एटी देखो एटा टिके पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप माने होची कोनो ना एक्स एक्सिस रे भी इंक्रीज करुची, वाई एक्सिस रे इंक्रीज करुची, ता माने तोरो टेम्परेचर भी एठी बढ़ुची, स्पेसिफिक वॉल्यूम मध्ये बढ़ुची, सेई पई बट द राइज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, कैन एटा एते कम स्लोप अछि जे एक्चुअल पानी कोन गरम करले से बेसी तार स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़िबो, बेसी स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़िबनि बट बहुत कम बढ़िबो, कैन गोटे थर्मल एक्सपेंशन अछि, गोटे जिनस गरम करले से टिके एक्सपेंशन रहिबो बट दैट एक्सपेंशन इज वेरी लेस। असे एकदम को सर से हाउ टू फाइंड, तो एटा तो जानि लो केमती केते स्पेसिफिक वॉल्यूम केमती जानिबा, हेटा में स्टीम टेबल देखले जानिबा, हला तो तुम एठो गरम करी करी गलो, हला ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जते बोले रीच कला सेते बोले सेही जिमती कहिथिली गोटे छोटो वेपर फॉर्मेशन आरंभ होला, गोटे न्यूक्लियेट बॉइलिंग स्टार्ट हे गला, ठीक है। तो न्यूक्लियेट बॉइलिंग स्टार्ट हला, तापरे देखो एठी टेंपरेचर कांस्टेंट रह जाय छी किंतु स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ी छि, स्पेसिफिक कहि थली हीट ट्रांसफर सेते बेले हम हीट बढ़े बढ़े जाउतलु किंतु टेंपरेचर आउ हीट ट्रांसफर कर्व हमर दरकार नै, हम टेंपरेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम बिषयरे जानिबा, हला। तो टेंपरेचर एटी देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत बढ़िला, काहि के स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ू छि ना जते जते तमे हीट एडिशन करी करी जाउचो सेते सेते पानी वेपर रे कन्वर्ट हे जाउछ, अधिकारु अधिका पानी वेपर रे कन्वर्ट हे जाउछ। देखो एई पॉइंट रे कोन हे छि, सपोज 100% को नेली, देखो 1 केजी कि 2 केजी जहा तमे वाटर नै छ, 100% लिक्विड सब अछि बट दे आर इन ए स्टेट टू गो फॉर वेपर, माने सैचुरेटेड लिक्विड। जे सैचुरेटेड लिक्विड गोटे टर्म को छि, सैचुरेटेड लिक्विड हो कोन ना द लिक्विड इज इन सच ए स्टेट व्हेन फर्दर एडिशन ऑफ हीट विल स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर। जदि ए स्टेट रे तुम्हें टिके भी हीट एडिशन करलो वेपर फॉर्मेशन आरंभ हो जइबो, तो वेपर हे गला, आ वेपर तुम जानछ हेटा हो गैसियस फेज से अधिक वॉल्यूम जकार करबो से पे वॉल्यूम बढ़ला, तो आस्ते 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 एमति जेते बडी बडी जइबो अधिकारु अधिक लिक्विड सब वेपर को कन्वर्ट हे जइबो। एई पॉइंट रे कोन हेतिबो ना सब जक लिक्विड वेपर को कन्वर्ट हे जाय, तो सेई पई कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम एटा केते बडी जाय छै, हला द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, ओके। तो देन तापरे एठु जते बेले तमे आउ हीटिंग कलो आउ किछ फेज चेंज हेलानी, तो एटा टेम्परेचर भी बढ़िला स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमार्केबल बढ़िला, एंड दिस टर्म्स यू हैव टू बी एक्वेंटेड विथ। एठी आमी तीनटा रीजन जानले कोन कोन, एठी देखो जो टेम्परेचर रे पानी बॉइल हबा आरंभ करबो और लिक्विड वेपर फेज चेंज हबो सेइटा को हमर कोआ जाय सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट मींस प्रत्येक दम गोटे ल पढ़ी थी दैट इज कौन ना प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन हेटा हमरो ना प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सेम थिंग बट हियर विल ऐड पी सैचुरेशन, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस, हला सैचुरेशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट मीन्स पानी केवल 100 डिग्री सेल्सियस रे बॉइल करिवो ओनली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जदि प्रेशर कमी गला ताले टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर कमी जिवो, जदि प्रेशर बढ़ी गला ताले सैचुरेशन पानी रो बॉइलिंग होवा कमी बढ़ी जिवो टेम्परेचर बढ़ी जिवो, हला ताले एठी देखो तीनटा स्टेट मु लिखि छी, कोन लिखि छी
टी इज लेस देन टी सैचुरेशन एट द रेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द रेट ऑफ मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे जितकी सैचुरेशन टेंपरेचर होबा कथा तम टेंपरेचर जति कम अछि तमे कोट पाइबो जो सैचुरेशन टेंपरेचर कोन ना सेटा स्टीम टेबल तो पाइबो मु आस्ते आस्ते कहिबी तो जदि टी इज लेस देन टी सैचुरेशन एट द रेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर त माने एठी देखो ए रीजन ता एटा को कहा जाय सब कूल्ड लिक्विड रीजन दैट मींस सब कूल्ड हला माने एटा कूलिंग हीटिंग पोर्शन को अपन तो जाइनी सब कूल्ड लिक्विड हला आउ गोटे बढ़िया जिनस देखो एठी टी इज जस्ट इक्वल टू टी सैचुरेशन टी जो इक्वल टू टी सैचुरेशन हो जाय छी एवं त माने से कोन लिक्विड प्लस वेपर रीजन रे अछि हां सेटा को कौन कहा जाए ना एटा को लिक्विड प्लस वेपर रीजन एटा हला सब कूल्ड लिक्विड रीजन हला सब कूल्ड लिक्विड रीजन एटा आसला लिक्विड प्लस वेपर रीजन एठ लिखा है देखो जते बेले टेंपरेचर इज लेस देन टी सैचुरेशन रहइबो एटा सब कूल्ड लिक्विड रीजन टेंपरेचर इज इक्वल एउटा सब गोटे शॉर्ट क्वेश्चन सब पढ़ा पढ़िबो हला गोटे टेंपरेचर दे दबो गोटे प्रेशर दे दबो तुम कह दबो स्टीम टेबल देखो जेसे को स्टेट रे अछि लिक्विड प्लस वेपर एटा आ जते बेले टी इज ग्रेटर देन टी सैचुरेशन दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अछि से लिखी छी वाटर इज एट 200 डिग्री सेल्सियस तब तुम चेक करबा रे टी आर सैचुरेशन टेंपरेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस से अछि ता माने सेटा एपोट ए रीजन रे सो दिस इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड वेपर रीजन दिस इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड वेपर रीजन अच्छा ए डायग्राम तो बुझी हला ना नहीं एठी किछ पचार स्थिति पचार बुझीला ओके हो तमे इटा को आउट डिस्कस आउट टिके देखिबो ला मु भी यार तले रेकॉर्डिंग टा मु इठे बंद करछु ओके।